दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यदि आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर अकाउंट है या आप खाता धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों बैंकों का अमलगमेशन मिश्रण होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक में मिश्रण कर दिया गया है। इससे क्या है, आपको भी पता है कि इसके सारे आईएफएससी कोड, चेकबुक और पासबुक वगैरह चेंजेस किए गए हैं। तो आप सभी को पता है कि आप कहीं भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं से आपका मनी आता है तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देना ज़रूरी होता है, उसी से ही आपका पैसा आ पाता। लेकिन अब आईएफएससी कोड को बदलाव कर दिया गया है, जो कि नए आईएफएससी कोड जारी किए गए हैं 31 मार्च 2021 के बाद। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो नए आईएफएससी कोड जारी किए गए हैं, जो कि अब पंजाब नेशनल बैंक के अंडर में हो गए हैं। जो नए आईएफएससी कोड है वो पंजाब नेशनल के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। तो ये नए आईएफएससी कोड क्या हैं, हम कैसे पता करेंगे, तो इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि नई आईएफएससी कोड हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी अपडेट न्यूज़ हमेशा इस चैनल के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहें। तो जैसा कि आप यहाँ पर इंटरफेस देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे इंटरफेस में आप कई सारे बैनर्स, अपडेट वगैरह आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर इंटरफेस देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन बार आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो स्क्रॉल किया जा रहा है इस लाइन पर, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन चलता हुआ आपको दिख पा रहा है। इसमें जो भी नए अपडेट है ये फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इसी में आपको दिख जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स न्यू आईएफएससी कोड एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया न्यू आईएफएससी कोड आफ्टर अमालगमेशन। तो इसमें हम आपको क्लिक करके लाइव आपको विथ प्रूफ आपको पीडीएफ फाइल पूरा ओपन करके दिखाएंगे और तरीका भी बताएंगे कैसे आप उस आईएफएससी कोड को फाइंड करने के बाद मैच कर सकते हैं कि आईएफएससी कोड सही है जो अपडेटेड है या नहीं। इस तरह से पूरी जानकारी इसी वीडियो में हम आपको कंप्लीट देंगे, तो वीडियो पर आप एंड तक ज़रूर बने रहना। तो ये जो वीडियो हम अब पब्लिश कर रहे हैं, जो कि मई 2021 में पब्लिश कर रहे हैं और ये आगे तक वर्क करेगा, तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि यहाँ पे इंटरफेस पे हम आ चुके हैं, जो कि आपका ये ऑप्शन आ रहा फॉर अमालगमेशन, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं फॉर अमालगमेशन ऑन डिजिटल इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग और UPI, सो प्लीज़ क्लिक हियर। तो ये आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के लिए है, जो कि सभी का बदलाव कर दिया गया है। तो अब आपका नया पंजाब नेशनल बैंक का ही यूज करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गेट योर न्यू IFSC कोड एंड MICR कोड फॉर EOBC ब्रांचेस, तो ये ओरिएंटल बैंक कॉमर्स का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस, आगे का टाइप प्रोसेस में जाएगा, उसमें आपको वेट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ डू यू वांट टू डाउनलोड, ये PDF फाइल है जो कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की जो न्यू IFSC कोड जारी किए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, वो PDF फाइल है, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। आप भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर डाउनलोड करेंगे ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद ऐसा पूरा PDF फाइल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नया IFSC कोड दिया जाएगा, जो कि पंजाब नेशनल द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम PDF फाइल को दिखा रहे हैं, इसमें कई सारी PDF फाइल है। आप इसको डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। आप CSV संचालक हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे भेजते हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है ये PDF फाइल। तो आप इसको प्रिंट आउट करके ही रख सकते हैं, या आप किसी भी गूगल ड्राइव या किसी भी फाइल में इसको आप PDF फाइल इसको सेव कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको तरीका बता रहे हैं, जिसमें आप फाइंड करने में आपको आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे, ये तो सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद इसमें बैंक का नाम हो गया OBC ओरिएंटल और बैंक कॉमर्स कर दिया हुआ है। यहाँ सर्कल दिया गया है, किस मतलब सर्कल होता है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया। यहाँ पे आप एग्जांपल तौर पे आगरा देख रहे हैं, यहाँ पे जोन भी आपका आगरा देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है जो मेन टॉपिक आता है, यहाँ पे ब्रांच नेम।
तो ये ब्रांच नेम रहेगा जो सब ब्रांच का है, ओरिएंटल और बैंक ऑफ कॉमर्स वो ब्रांच नेम है। तो यहाँ पे ब्रांच नेम आपको दिख जाएगा और उस ब्रांच का पूरा एड्रेस दिख जाएगा। तो आपको ये पूरा एड्रेस मैच कर लेना है कि हाँ ये हमारा इसी ओरिएंटल और बैंक कॉमर्स पर हमारा बैंक अकाउंट खाता था। तो ये ब्रांच यहाँ पे आप एड्रेस पर देख सकते हैं, ब्रांच का पूरा एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ओरिएंटल और बैंक कॉमर्स का था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैच करना है पिन कोड, आपका जो पिन कोड था पहले वाला जो कि ओरिएंटल और बैंक ऑफ कॉमर्स का था, ये पिन कोड मैं पूरा एड्रेस सर्कल ब्रांच और पिन कोड पूरा मैच कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताते हैं, यहाँ पे जो न्यू अलॉटेड MICR कोड, ये न्यू अलॉटेड है, ये आपको न्यू जारी किया गया है। जो पहले MICR कोड पहले था वो पुराना था, लेकिन ये जो लिस्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे आप डाउनलोड करने के बाद, ये नया MICR कोड आपको दिया जा रहा है। उसके बाद आपको मेन टॉपिक में हम लाते हैं जो कि पुराने और नए IFSC कोड की पहचान क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे इंटरफेस आपने देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ पे आता है जो IFSC कोड को लेकर है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, आपको हम अगेन रिपीट करा रहे हैं, दोबारा से फिर बता रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ से आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये है आपका ओल्ड IFSC कोड, ये ओल्ड IFSC कोड है जो कि ये मार्च अप्रैल के बाद एक्सपायर हो चुका है, आप इसको मैच कर सकते हैं। अब इसी के द्वारा आपको नया दिया जा रहा है जो कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी करके आपको दिया जा रहा है। तो ये न्यू IFSC कोड है, इस चीज़ को मैटर को आपको ध्यान रखना है, इसको फोकस में रखना है, ये आपका न्यू है। इसकी पहचान क्या रहेगी कि जैसे आप जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो पुराना IFSC कोड था उसमें स्टार्टिंग में ORBC, जी हाँ दोस्तों, ORBC से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की IFSC कोड की स्टार्टिंग होती है, जो कि ब्रांच कोड की तरह से मतलब ब्रांच बैंक नेम की तरह से जारी किया जाता है। जैसे आपका SBI IN होता है, UBI IN होता है, उसी तरह से OBRC। लेकिन अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज होने के बाद, मिश्रण होने के बाद, जो आपको नया पंजाब नेशनल बैंक का IFSC कोड जारी किया जा रहा उसमें आपको PUNB, जी हाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, PUNB 0 से पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से न्यू IFSC कोड जारी किए जा रहे हैं। तो यही IFSC कोड अब वैलिड रहेंगे जो कि आपको यूज करना है, बाकी आपको कोई पुराना IFSC कोड आपको यूज नहीं करना है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका, आप वेबसाइट में जाकर आप डायरेक्ट इसमें विजिट करके न्यू IFSC कोड फाइंड कर सकते हैं। बाकी पंजाब नेशनल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कस्टमर केयर से भी आप कॉल करके डायरेक्ट पता भी कर सकते हैं, और सीधी सी बात अपने आप ब्रांच एरिया में जाकर भी विजिट कर सकते हैं जो भी आपका होम ब्रांच था। तो इस वीडियो में हमने आपको यही बताया, मुझे आशा होगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आपकी वीडियो नॉलेजेबल यूजफुल लगा हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।